करता हूं, आप मुझे ताकत दो, टीआरएस के सरकार लाओ और टीआरएस के एमपीस को जिताओ। पहले चार महीने के अंदर ही 12% रिजर्वेशन अमल करके बताऊंगा तमिलनाडु के शक्ल में। ये केसीआर का वायदा है, मैं वायदा का पक्का रहूंगा, ये मैं आपसे वायदा करता हूं। मौजूदा तेलंगाना हुकूमत के बारे में आपके क्या ख्याल है? सबसे पहले मैं आपको एक आम शहरी की हैसियत से ये बता देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर आज तक हर सियासी जमात मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती आ रही है, क्योंकि जब कभी भी इंतखाबात का मौसम आता है तो हर सियासी जमात अपने अपने अंदाज में मुसलमानों को लुभाने की कोशिश करती आ रही है। किसी सियासी जमात को ये नहीं कहा जा सकता कि यह हकीकी मुसलमानों की हमदर्द है, क्योंकि सब अपने मफादात की तकमील के बाद यकसर तौर पर मुसलमानों को नज़रअंदाज करते आ रहे हैं। हालिया इंतखाबात के मौके पर मौजूदा टीआरएस हुकूमत के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब ने एक बड़ा और पुरमीद ऐलान करते हुए मुसलमानों के दिलों में खुशी और मसर्रत का सामान मुहैया किए थे कि जब मैं यानी टीआरएस हुकूमत इंतखाबात में कामयाब होती है और तेलंगाना में टीआरएस की हुकूमत बनती है तो 12% तहफ़ुज़ात फराहम किए जाएंगे और कई कमीशनों को बिठाया गया और सर्वे हासिल किया गया और तमाम कमीशनों में ने भी कहा कि मुसलमान दलितों और दीगर पिछड़े तबकात से भी कमतर की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसके बाद फिर असम्बली में करारदाद मंजूर की गई, मरकज़ को रवाना की गई और मरकज़ के बारे में तो आप बाखूबी वाकिफ हैं, वो मुसलमानों के तई क्या नज़रिया रखती है। और दीगर जो हुकूमत की फलाही स्कीमात है जिसके अंदर डबल बेडरूम स्कीम, हमारे केसीआर साहब अपने ऐलान के मुताबिक ओवरऑल 12% तहफ़ुज़ात के लिए जब तक की कोशिश करते हैं तब तक के जो फलाही स्कीमात दी जा रही हैं उसके अंदर तो 12% तहफ़ुज़ात का ऐलान कर सकते हैं। और मरकजी हुकूमत की जानिब से ये 12% तहफ़ुज़ात की मंजूरी अमल में आना मुश्किल है तो क्यों ना रियासती सतह पर असम्बली के अंदर एक आर्डिनेंस को पास करते हुए एक आरजी तौर पर एक जीओ पास करते हुए जब तक कि आप हुकूमत में बरकरार रहे तब तक के लिए 12% तहफ़ुज़ात को इम्प्लीमेंट करते हुए तालीमी वो सियासी एतबार से रूबे अमल लाया जा सकता है। लेकिन मरकजी हुकूमत पर आस करके बैठते हुए फिर आइंदा इंतखाबात की तैयारियों का सिलसिला शुरू कर चुके हैं तो लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूँ कि मौजूदा हुकूमत मुसलमानों को दीगर फलाही स्कीमात के ज़रिए जो खलील जो मकदार में फ़ायदे पहुँचाने की कोशिश की जा रही है उसको बालाए ताक रखते हुए मुसलमानों के जो बुनियादी तौर पर मुस्तहकम होने के लिए 12% तहफ़ुज़ात का को रूबे अमल लाते हुए तमाम मुसलमानों का साथ हासिल कर सकते हैं। अगर केसीआर साहब इस वादे को पूरा ना करने की सूरत में मुमकिन है कि मुसलमान उनके खिलाफ वोट देने पर उतर आएंगे, लिहाजा आखिर में गुजारिश करता हूँ कि वो 12% तहफ़ुज़ात के रूप में अमल लाएँ लाते हुए मुसलमानों के साथ को बरकरार रखें। केडीएन न्यूज़ कोहिर दक्कन।